हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर थ्री, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब दूध एवं दूध के उत्पादों की सूक्ष्म जैविकी। तो अभी तक हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के काफी सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये हमारा थर्ड नंबर का लेक्चर है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के सारे लेक्चर लाइन से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है, वहां पर आपको और भी चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग मिल्क से रिलेटेड काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में पूरा विथ डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। नोट्स भी आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक को बीएससी जूलॉजी के किसी भी टॉपिक को लायन बैच के नाम से सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक, है ना। तो चलिए सबसे पहले, जैसे आप अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है गाइस, 5 से 6 नंबर का आता है। अगेन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो जो भी अगर आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप सिनॉप्सिस ऐड कर देना। सिनॉप्सिस में देखो क्या क्या आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिल्क एंड काइंड्स ऑफ मिल्क, मतलब दूध और दूध के प्रकार के बारे में बताऊंगी कि मिल्क कितने टाइप के होते हैं, आखिर मिल्क होता क्या है, कौन कौन से इसके केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो सब चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। सेकंड नंबर में मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि जो मिल्क होते हैं उनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब दूध में कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना। थर्ड नंबर में आप लोगों को बताऊंगी मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, काफी सारे मिल्क के प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इसकी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए दही, पनीर, श्रीखंड, छाछ, मक्खन, ये सब के बारे में हम लोग जो है वो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक। और चौथे नंबर में मैं आप लोगों को मिल्क टेस्टिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि देखो मिल्क में भी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं तो उसका परीक्षण किस प्रकार से करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लास्ट में मैं आप लोगों को पाश्चराइजेशन के बारे में बताऊंगी, पाश्चरीकरण के बारे में बताऊंगी। लास्ट में वो कंक्लूजन भी निकालेंगे। तो ये सारे चीजें आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को ऐड करना है। क्लियर हो गया इस? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन हम लोग मिल्क के ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं, देन इसके हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो मिल्क के अगर हम लोग कॉम्पोजिशन की बात करें, देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो कि मिल्क देते हैं, बट ज्यादातर हम जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो काउ के मिल्क का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। हेल्थ की दृष्टि से, हेल्थ के दृष्टिकोण से इसको बहुत ही अच्छा माना गया है मिल्क में, क्योंकि मिल्क में ऐसे ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो मिल्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कुछ कॉम्पोजिशन है जिसका मैं आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पर बता दूंगी। वैसे मिल्क से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए पनीर, बटर मिल्क, छाछ, घी, ये सारे भी हमारे शरीर के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना मिल्क होता है। तो चलिए एक बार मिल्क का हम लोग कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, आखिर मिल्क में क्या क्या पाया जाता है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो उसमें वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है, 87.5% वाटर मिल्क में जो वाटर है वो पाया जाता है। टोटल जो सॉलिड्स की अगर हम बात करें, जो ठोस पदार्थों की बात करें, तो 12.7% ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। फैट की अगर हम बात करें, मतलब वसा की हम लोग बात करें, तो 4.5% जो है वो वसा उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कई लोग बहुत ज्यादा पतले हैं ना, तो उनको दूध पीने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसमें फैट होता है। अगर कोई इंसान कंटिन्यू 1 से 2 गिलास 3 गिलास डेली दूध पीता है तो उसके हेल्थ में काफी ज्यादा सुधार आ सकता है ना। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो 2.9% इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। लैक्टोज की बात करें तो 4.1% लैक्टोज पाया जाता है, और मिनरल्स की बात करें तो 0.8% इसमें मिनरल पाया जाता है। तो अगर आप लोग मिल्क की माइक्रोबायोलॉजी लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो एटलीस्ट ये जो 4 से 5 पॉइंट है, जो कॉम्पोजिशन है उसको जरूर लिख लेना, इससे आप थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके नोट्स के ऊपर, है ना। तो काउ के मिल्क का यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन बताया हुआ है, हालांकि मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया हुआ है, बट यहाँ पर भी आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है ना कि दूध में कितना परसेंट फैट पाया जाता है, दूध में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ गाइस मिल्क का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मिल्क कितने टाइप के होते हैं। अब चलिए गाइस, मिल्क के बारे में तो हम लोग काफी कुछ चीज देख ली है, अब हम लोग मिल्क के टाइप के बारे में देख लेते हैं कि जो मिल्क होता है वो कौन कौन से टाइप में पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला है संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध वह दूध होता है, या फिर होल मिल्क वह मिल्क होता है जिसमें फैट की अच्छी खासी मात्रा होती है। मतलब मैंने जो पिछले अभी कुछ देर पहले जो कॉम्पोजिशन बताया ना, वो सारे कॉम्पोजिशन उस दूध में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो हम लोग पीने के लिए जो घर में यूज करते हैं वही आपका होल मिल्क कहलाता है। इसमें अगर हम लोग फैट की बात करें तो
3.5% से अधिक इसमें जो है वो फैट होता है, मतलब इससे कम नहीं होता है। जो फैट की मात्रा है, जो वसा की मात्रा है, वो 3.5% से ज्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो ये संपूर्ण मिल्क कहलाता है, मतलब इसमें जितने कॉम्पोजिशन है वो सब अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड नंबर का देखो लो फैट स्किम मिल्क। तो लो फैट स्किम मिल्क नाम से ही स्पष्ट है, देखो लो फैट मतलब इसमें क्या होती है, वसा की मात्रा कम होती है। देखो यहाँ पे वसा की मात्रा 0.5% से भी कम होती है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा था, होल मिल्क में 3.5% जो फैट है उससे भी ज्यादा अधिक फैट पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो वसा की मात्रा है वो 0.5% से भी कम पाया जाता है। मतलब इस मिल्क में क्या होता है ना, जितना भी मिल्क का फैट होता है उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, और यही हमारा स्किम मिल्क कहलाता है। मतलब ऐसा दूध बनाया जाता है जिसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, तो उस टाइम पर जो मिल्क होता है उसको हम लोग स्किम मिल्क कहते हैं। दोनों में फर्क समझ आया आप लोगों को। होल मिल्क क्या कहलाता है, जो एक्चुअल में जो मिल्क होता है जिसमें सारे कॉम्पोजिशन है, फैट की अच्छी खासी अमाउंट है, वो सारे होल मिल्क कहलाते हैं गाइस आपके। और लो फैट में क्या कहलाता है, इसमें वसा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, उसमें का जो भी फैट है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उस मिल्क को हम लोग लो फैट मिल्क भी कहते हैं और स्किम मिल्क भी कहते हैं। जो फैट का अमाउंट है वो 0.5% से भी कम हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क, इसका जो भी हिंदी नाम है गाइस मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, सो डोंट वरी, है ना। हाई टेम्परेचर मतलब देखो दूध का पाश्चरीकरण, हम लोग जैसे घर में दूध को उबालते हैं, पीने से पहले दूध को उबालते हैं ना, बट ये जो हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क होता है उसको बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर में क्या किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है। मतलब जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम लोग जो घर में बॉईल करते हैं ना, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा उसको बहुत ही ज्यादा हीट किया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क कहलाता है। मतलब इसमें जो टेम्परेचर होता है दूध को गर्म करने का, जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। चौथा देखो ड्राई मिल्क। कभी ना आप लोगों ने तो दूध पाउडर पी खाया ही होगा, जो पाउडर वाला आता है, जो अमूल का दूध पाउडर आता है, वही क्या कहलाता है, ड्राई मिल्क कहलाता है। मतलब ये भी मिल्क ही है लेकिन ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई होता है। इसमें का जो भी वाटर है, जो हम देखे ना 87% जो है वो वाटर होता है, बट उसमें क्या करते हैं, मिल्क में जो वाटर है उसको क्या कर देता है, वैक्यूम के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो सूखा दूध बचता है वही आपका मिल्क पाउडर या फिर ड्राई मिल्क कहलाता है। पांचवा नंबर का है स्वीटेंड मिल्क। नाम से स्पष्ट है स्वीट मिल्क, तो ऐसा मिल्क जिसमें क्या मिलाया जाता है, शक्कर मिलाया जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें शुगर को ऐड किया जाता है और मीठा मिल्क बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्वीटेंड मिल्क कहलाता है। क्लियर होगा इसे आपको? तो देखो पहला कौन सा मिल्क है, संपूर्ण मिल्क जिसमें दूध के सारे कॉम्पोजिशन अच्छे खासे मात्रा में प्रेजेंट है। सेकंड नंबर का है लो फैट मिल्क जिसमें फैट का अमाउंट जो है वो कम है, वसा की मात्रा कम है। थर्ड नंबर में है हाई टेम्परेचर प्रोसेस्ड मिल्क, मतलब इसको प्रोसेस्ड किया गया है टेम्परेचर को काफी ज्यादा इंक्रीज करके, है ना। ड्राई मिल्क सभी को पता है, ऐसा मिल्क जिसमें पानी का अमाउंट वो नहीं के बराबर होता है और जो मिल्क होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। पांचवें नंबर का है स्वीटेंड मिल्क, ऐसा मिल्क जिसमें शुगर वगैरह डाल करके उसको मीठा बनाया गया है, स्वीटेंड मिल्क कहलाता है। तो ये हुआ गाइस मिल्क के काइंड्स, तो इस टाइप के जो है वो मिल्क पाए जाते हैं। चलिए गाइस हम वो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मिल्क और मिल्क के टाइप्स के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हो, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिल्क होता है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वजह से हमको मिल्क के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे मैंने साइड में इमेज भी दिखाया हुआ है, काफी सारे बैक्टीरिया के नाम थोड़ा बता देती हूँ मैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई पड़ते हैं, ये सब को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा चेक करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, ये सारे जो है वो मिल्क में पाए जाते हैं। बट सवाल ये आता है कि आखिर ये सब आते कहाँ से हैं। तो देखिए जैसे कि जो गाय होता है, जो उसका थन होता है जहां से मिल्क आता है, तो थन की जो नलिया होती है उसमें से पहले से ही कुछ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, जिस वजह से भी मिल्क में जो है वो बैक्टीरिया आ जाता है। सेकंड रीजन ये है, सो गाइस ये चीज आपको लिखना है अपनी कॉपी में, है ना, कि जो मिल्क होता है उसमें बैक्टीरिया कहाँ से आता है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ आपका, कि जो भी गाय के थन होते हैं उनसे, उनमें जो है वो पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होता है। देखना जब जो ग्वाले लोग होते हैं जब दूध जो है वो निकालते हैं, तो उस समय जो गाय का जो थन होता है उसको जो है वो उन लोग क्लीन करते हैं, है ना, धोते हैं। क्यों धोते हैं, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो दूध में ना आ जाए। सेकेंड नंबर ये होता है कि जो भी
दूध निकालने वाली जो भी पर्सन है, अगर वो जिस बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, अगर उस बर्तन में पहले ही कोई बैक्टीरिया है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो किस में आ जाता है? दूध में आ जाता है। थर्ड नंबर का चीज ये, जो दूध निकालने वाला व्यक्ति है, अगर वो अपना ठीक से हाथ नहीं धोया है, अगर अपने हाथों को अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो दूध को निकालते वक्त उसके जो हाथों के जो बैक्टीरिया वगैरह है वो कभी कभी क्या होते हैं, दूध में चले जाते हैं। चौथे नंबर का ये हो सकता है कि अगर ठीक से साफ सफाई ना हो, जिस जगह पर गाय है, जिस जगह पर दूध को निकाला जा रहा है, अगर वहां पे ठीक से सफाई ना हो, तो उस वजह से भी कभी कभी बैक्टीरिया जो है वो दूध में आ सकते हैं। पांचवा कारण ये है कि कई बार जो मजदूर वगैरह होते हैं, दूध निकालने वाले जो भी पर्सन है, अगर उनको कोई बीमारी हो या फिर वो अपना हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उस वजह से भी जो है वो दूध में बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से दूध में बैक्टीरिया आते हैं। कभी कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, जब अगर आप दूध को भी खरीदते हो, तो दूध जब उबालने के लिए चढ़ाते हो तो ही क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। क्यों फटता है? इन्हीं सब रीजन से फटता है। अगर ठीक से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है, या फिर कई बार क्या होता है ना, गाय को ही कुछ बीमारी होता है, तो कई बार देखना उस वजह से भी दूध जो है वो फट जाता है। तो ये कारण है गाइस कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन कारणों के माध्यम से जो है वो दूध में क्या होता है, एंटर करता है। इसलिए जब भी हम लोग दूध को पीते हैं, उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, बॉईल करना चाहिए, अच्छे से उबालना चाहिए, उसका पाश्चुरीकरण करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या है, मर जाए। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो कभी भी दूध अगर आप पीते हो, तो बिना उबला वाला दूध जो है वो आपको नहीं पीना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर मिल्क में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग बैक्टीरिया की, ठीक, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से आएगा? जो भी गंदा बर्तन है या फिर गंदे जगह है, हाथ अगर गंदा है, तो ये सबसे जो बैक्टीरिया है वो किस पे पहुंच जाता है? दूध में पहुंच जाता है। तो मिल्क में एक महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया गया वो है लैक्टोबैसिलस। नाम याद कर लेना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। मिल्क में कौन कौन से फैमिली के बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस फैमिली के कुल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस। और सेकंड नंबर का है स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली। ये दो फैमिली ऐसी है जिसके बैक्टीरिया मैक्सिमम दूध में पाए गए हैं, पहला लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकेसी। तो ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम मिल्क में जो है वो पाए जाते हैं। और ये सारे बैक्टीरिया जो है वो डेयरी के बर्तन, खाद, चारा, यही इसी माध्यम से जो है वो दूध में पहुंचते हैं। इसके अलावा माइक्रोकोकस, स्यूडोमोनास और स्टेफिलोकोकस बैसिलस, ये सारे जो बैक्टीरिया है वो भी क्या होते हैं, दूध में पाए जाते हैं। ये तो ही गई इस बैक्टीरिया के बाद। अगर मैं बात करूं ईस्ट की, तो जो ईस्ट और फफूंद वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, दूध में लगते हैं। जैसे कि देखना, कभी आप दूध का दही जमाते हैं दूध में, तो जो दही होता है उसके ऊपर कभी कभी फफूंद भी लग जाता है। देखना, व्हाइट व्हाइट, हल्का हल्का व्हाइटिश, येलो ग्रीनिश टाइप का जो फफूंद होता है वो कभी कभी क्या होता है, दूध दही वगैरह में क्या होता है, लग जाता है। क्लियर हो गया इस आपको? अब चलिए और भी हम लोग देखते हैं कॉलीफॉर्म्स। तो देखो, ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कॉलीफॉर्म्स, वो किस में पाया जाता है, कहां से आता है? जो इन्फेक्टेड वाटर है। देखना, कई बार क्या होता है, दूध में क्या मिला देते हैं, जो भी पर्सन है दूध वाला है वो क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है। तो भाई, पानी में भी तो कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि पानी से आता है वो क्या कहलाता है, कॉलीफॉर्म कहलाता है। आई थिंक यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम है कॉलीफॉर्म का। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया अगर दूध में पानी मिलाया जा रहा है, या फिर जो बर्तन है उसको पानी से धो रहे हैं, तो पानी के माध्यम से दूध में पहुंच जाता है वो, उसका नाम है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया लोग का नाम याद करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपको बैक्टीरिया वगैरह जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नाम को ही क्या करना है, आपको लिखना है। तो ये जो कॉलीफॉर्म होता है वो पानी के माध्यम से क्या होता है, दूध में पहुंचता है। ये मैंने बताया ना, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि गंदे बर्तन से क्या होता है, फैलता है। बैसिलस सबटिलिस, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। तो देख लो किस प्रकार से दिखता है ना। और एक्रोमोबैक्टर, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गाइस जो कि क्या होते हैं, दूध में पिलाए जाते हैं। ठीक, ये जो मैंने बताया एक्रोमोबैक्टर, ये भी क्या होते हैं, गंदे बर्तन से जो है वो दूध में पहुंचते हैं, एक्रोमोबैक्टर। वैसे मैंने नोट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, तो जब मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने बोलूंगी ना, उस समय आप लोग देख सकते हो मैंने अपने नोट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया, ईस्ट, फफूंद वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने केवल आपको डायग्राम दिखाया कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ आपको?
गाइस, हम काफी कुछ चीजें अब तक देख चुके हैं, मिल्क के बारे में देख चुके हैं, मिल्क के में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसके बारे में हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब बारी आता है मिल्क से बने प्रोडक्ट की। तो देखिए, मिल्क से बने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दही और मही और बहुत सारे होते हैं, बटर मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया और मक्खन वगैरह हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग पुराने समय से किया जा रहा है ना, और इसको हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। तो देखो, हालांकि जो दही होता है, जो कर्ड होता है, उसमें भी बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा कर्ड के बारे में देख लेते हैं, दही के बारे में देख लेते हैं। तो आखिर कर्ड बनता कैसे है? तो देखिए, अगर मिल्क में, सबसे पहले तो मैं बैक्टीरिया का नाम बता देती हूँ जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। कभी कभी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ जाता है कि दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैक्टोबैसिलस वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो देखना, दही जो हम खाते हैं उसमें खट्टापन रहता है। तो खट्टापन क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एसिडिक होता है, मतलब ये एसिडिक नेचर वाले होते हैं। दूध में क्या होता है, अम्लीय प्रकृति के कारण ये क्या कर देते हैं, अम्लीय प्रकृति उत्पन्न करते हैं। इस वजह से दूध जो है वो दही में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हम लोग जो दही है उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो दही में क्या होते हैं, पूरे दही भर में जो है वो तैरते रहते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, एक प्रकार से लैक्टिक एसिड जो है वो पैदा करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रकार से लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। तो उसी एसिड के वजह से, उसी अम्ल के वजह से जो दूध है वो क्या हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये है गाइस सबसे पहला कर्ड। अब चलिए हम लोग और भी प्रोडक्ट के बारे, अब चलिए गाइस दही के बारे में तो हम लोग देख लिए, अब मिल्क का हम लोग एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसका नाम है पनीर। तो पनीर की सब्जी तो आप सभी खाते होंगे, जिसको हम लोग चीज भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे आजकल तो हर चीज में चीज जो है वो डलता है, हर चीज में पनीर जो है वो एड होता है। तो ये जो पनीर होता है वो भी क्या होता है, मिल्क का ही प्रोडक्ट होता है। उसको भी जो है वो फर्मेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जिस प्रकार से दही को रेडी किया जाता है, उसी प्रकार से दही के थ्रू जो है वो मिल्क को बनाया जाता है। सबसे क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसका दही बनाया जाता है ना, और दही को जो है वो अलग अलग विधियों के द्वारा जो है वो पनीर में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसा कि दही में बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है, उसी प्रकार सेम जो पनीर होता है उसमें भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी पाए जाते हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से क्या किया जाता है, पनीर को रेडी किया जाता है। तो चलिए एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इमेज देखिए कि जो पनीर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जो ईस्ट वगैरह, फफूंद वगैरह पाए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ते हैं पनीर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नाम बता देती हूँ मैं क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस पाया जाता है पनीर में, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो देखो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो है वो अलग अलग टाइप से पनीर बनाने में यूज होता है। अगर सॉफ्ट पनीर बनाया जा रहा है तो अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा, अगर हार्ड पनीर बनाया जा रहा है तो अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। वो मैंने नोट्स में भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली आप नाम देख लो। सेकंड नंबर का देखो, ब्रेवी बैक्टीरियम लिनेंस। तो ये सारे बैक्टीरिया के नाम आपको क्या करना है गाइस, याद करना है, आपके एग्जाम में आएगा। तो पेनिसिलियम, रोक्योफॉर्टी और लैक्टोबैसिलस, तो इत्यादि ये सारे बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, पनीर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गए? अब चलिए, दही पनीर वगैरह के बारे में तो हम लोग देख लिए, अब बारी आती है श्रीखंड की, जिसको हम लोग कहते हैं योगर्ट। तो योगर्ट तो आप सभी ने खाया ही होगा, ऐसे डिब्बे में भी आजकल मार्केट में जो है वो मिलता है। और देखिए, कुछ इस तरीके से दिखता है, जेली टाइप संरचना होती है, गाढ़ा होता है ना। तो अगेन इसमें भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सवाल यह है कि आखिर श्रीखंड बनाया कैसे जाता है। तो पहले बता दूं, जो दूध होता है उसको अच्छे से उबाल करके जो है वो गाढ़ा किया जाता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा उबाला जाता है दूध को। दूध अगर अच्छे से उबल जाता है, एकदम गाढ़ा लसलसा टाइप से अगर दूध हो जाता है, तो उसमें जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस फैमिली के जो बैक्टीरिया है उसको मिलाया जाता है। बैक्टीरिया मिलाया जाने के बाद वो क्या बन जाता है, श्रीखंड बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस जो फैमिली के जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोप में देखने पर पूरे योगर्ट भर में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। सो गाइस, आप लोग टेंशन मत लेना, ये सब देख के आप लोग खाना पीना बंद मत करना, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे ही होते हैं, है ना। तो दूध दही ये सब जो है वो खाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के जो बैक्टीरिया है वो अगेन इस योगर्ट में जो है वो पाए जाते हैं, और उसी बैक्टीरिया के माध्यम से योगर्ट को बनाया जाता है। क्लियर हुआ आपको?
अब चलिए आगे देखिए, छाछ। छाछ भी आप सभी ने पिया ही होगा, पीते भी होगे। बटर मिल्क जिसको हम लोग कहते हैं, इसको मैं बहु कहूँ तो ये क्या होता है, जिसे सब्जियों के बनता है ना, जो मही बोलते हैं, जैसे जो दही है, दही को क्या करते हैं, फेंटते हैं। दही के फेंटने के बाद उसका मक्खन को अलग कर लेते हैं। मक्खन को अलग करने के बाद जो पानी वाला बचता है ना, वही क्या कहलाता है आपका, बटर मिल्क या फिर छाछ या फिर मही वगैरह कहलाता है। तो अगेन इसमें स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, छाछ को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसके जो स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ठीक, ये हुआ बटर मिल्क। अब चलिए आगे हम और देख लेते हैं। ये है लास्ट में हम देख लेते हैं मक्खन। मक्खन जिससे क्या निकाला जाता है, घी निकाला जाता है ना, बटर। जब इस मक्खन को गर्म करते हैं कड़ाही में, जब हम लोग अच्छे से गर्म करते हैं तो इससे क्या निकलता है, घी निकलता है। तो यही मक्खन की अगर हम लोग बात करें तो अगेन इसमें भी कई प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह से ही क्या बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है। और कई बार क्या होता है ना, इसका स्वाद को टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ कुछ जो है वो अलग टाइप के बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो ज्यादा टेस्टी हो और जो है वो सुगंधित हो। तो जो बाजार में मिलने वाले जो मक्खन होते हैं उसमें सुगंध के लिए भी कुछ कुछ ऐड करते हैं उन लोग, है ना। तो ये क्या कहलाता है गाइस, बटर कहलाता है। तो ये सारे हैं मिल्क प्रोडक्ट। तो अभी तक हम लोग जितने भी मिल्क प्रोडक्ट, हम लोग कंप्लीट हो चुका है मिल्क प्रोडक्ट, तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हम लोग देखे हैं उसमें हमको ये पता चला कि जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे तो होते ही है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ गाइस, अब हम लोगों का ये तो कंप्लीट हो गया मिल्क प्रोडक्ट। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने वाली हूँ मिल्क का परीक्षण, मतलब जो दूध का टेस्ट है वो कैसे किया जाता है। हम लोग मिल्क के बारे में तो बहुत कुछ चीज जान ली, लास्ट में हम लोग देख लेते हैं मिल्क का परीक्षण। तो देखिए, पहली बात तो ये, आखिर मिल्क का परीक्षण किया क्यों जाता है। हम ये देखते हैं गाइस, मिल्क का परीक्षण करके कहीं मिल्क जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अनहाइजीनिक तो नहीं है, मतलब अनहेल्दी तो नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मिल्क को ठीक से गर्म नहीं किया गया, उसके बैक्टीरिया को अच्छे से किल नहीं किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारे शरीर के लिए जो है वो हानिकारक हो सकते हैं। तो मिल्क टेस्ट में क्या किया जाता है, दूध की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। जो मिल्क है उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाता है कि जो मिल्क है वो पीने लायक है कि नहीं है, है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला होता है फॉस्फेट टेस्ट। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है कि जो दूध होते हैं उनमें कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। जो फॉस्फेट परीक्षण टेस्ट होता है वो दूध के गुणवत्ता को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसमें एस्टर फॉस्फेट को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ध्यान से सुनना, जो मिल्क है उसमें क्या किया जाता है, एस्टर फॉस्फेट को मिला दिया जाता है, और इस दोनों को, दूध और एस्टर फॉस्फेट को मिला करके इसका जो है वो इंक्यूबेशन किया जाता है। जैसे हम लोग इसका इंक्यूबेशन करते हैं, हम देखते हैं कि पहले से ही जो दूध होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फेट मौजूद होता है। ठीक है, मिल्क में पहले से ही कार्बनिक फॉस्फेट जो है वो उपस्थित होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग एस्टर को ऐड करते हैं, एस्टर को ऐड करने के बाद इसका इंक्यूबेशन करते हैं, जो फॉस्फेट होता है वो अकार्बनिक फॉस्फेट में जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ, क्या कहा मैंने, मिल्क में अगर हम एस्टर ऐड करते हैं तो जो कार्बनिक फॉस्फेट होते हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट में जो है वो चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाने के बाद हम देखते हैं कि अगर किसी मिल्क में अकार्बनिक फॉस्फेट उपस्थित है तो वो जो मिल्क है इसका मतलब है ठीक से गर्म नहीं किया गया, ठीक से उसका पॉस्चराइजेशन नहीं किया गया, ठीक से उसका पॉस्चरीकरण नहीं किया गया, मतलब जो मिल्क है उसमें भी अभी भी जो है वो बैक्टीरिया वगैरह क्या है, मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि अकार्बनिक फॉस्फेट जो है वो दूध में उपस्थित नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो अनुपस्थित है इसका मतलब है कि दूध भाई पीने योग्य है, उसको अच्छे से पॉस्चरीकरण किया गया है। तो अकार्बनिक फॉस्फेट की उपस्थिति को ज्ञात करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि दूध पीने लायक है, हमारे हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको फॉस्फेट परीक्षण कहते हैं। और ये आपको लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक, नोट्स में भी देख लेना, अच्छे से बता दी हूँ नोट्स में भी, है ना। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर का डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी काउंट। इसमें क्या किया जाता है, दूध के थोड़े से ही अमाउंट को, मतलब कुछ एक आध बूंद को, जो कांच का जो स्लाइड होता है ना उसमें दूध के, उसको क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है भाई कि दूध में कोई अभी भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट होता है। थर्ड नंबर का देखो, कॉलीफॉर्म जीवाणु परीक्षण। पहले ही बताई थी, जो कॉलीफॉर्म होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया होता है, तो डायरेक्ट ही कॉलीफॉर्म को जो है वो टेस्ट किया जाता है कि जो मिल्क है वो पीने योग्य है कि नहीं। तो ये तो हो गया गाइस मिल्क के परीक्षण की बात। लास्ट हमारा बच गया है पाश्चुरीकरण की क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं पाश्चराइजेशन। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बुक के बारे में बता देती हूँ।
ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि आप कौन से बुक से जो है वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं खरीदे हो तो ये बुक खरीद लेना काफी ज्यादा अच्छा है ना। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हो तो, अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी अगर आपके एरिया में वो बुक मिल रहा होगा तो देख लेना। ये है डॉक्टर एस एम सक्सेना, डॉक्टर पी के ढाका का है, ये यूनिफाइड का है, आरपी यूनिफाइड बुक है। और इसी बुक से मैं बनाती हूँ, हालांकि मैं बुक से ही पूरा नहीं बनाती हूँ, कई बार मैं ट्वेल्थ के बुक से गूगल वगैरह से भी निकाल के कुछ कुछ पॉइंट ऐड करती हूँ। क्योंकि देखो नोट्स को हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते, अलग अलग तरीकों से बनाते हैं, और जैसे पूरा बुक में है वैसा भी हम नहीं उतार सकते, कुछ कुछ पॉइंट को कट करना पड़ता है, कुछ कुछ नया पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो मैं कभी भी एक ही बुक से नहीं बनाती हूँ, वैसे अलग अलग बुक से मेरा नोट्स जो है वो मिक्सअप होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे हो कि कौन सा बुक ले जूलॉजी के लिए, तो ये डॉक्टर एम एस सक्सेना का बुक अच्छा है। वैसे आप अदर रेफरेंस अदर बुक से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, बट जो जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो इसी बुक से बनाती हूँ, ठीक है गाइस। तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, आई होप उन्होंने देखा होगा। अच्छा चलिए, हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, तो मिल्क का पाश्चरीकरण क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, मिल्क का पाश्चरीकरण वह क्रिया होता है जिसमें दूध को कितना डिग्री सेल्सियस तक इसको बॉइल किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतने टेम्परेचर पर उसको जो है वो उबाला जाता है दूध को, कितने मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो देखिए जब भी आपके घर में दूध आता है ना, तो कम से कम उसको आधे घंटे तक उबाला करो, क्यों, अच्छे से उबालना जरूरी है, तभी दूध क्या होगा, फटेगा नहीं, और दूध में जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगी वगैरह जो भी है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और दूध जो है वो ज्यादा दिन तक चलेगा और ज्यादा जल्दी से फटेगा नहीं। तो दूध का जब भी हम लोग उपयोग करते हैं और उसका अच्छे से पाश्चराइजेशन करना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो पाश्चरीकरण है वो दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं, पहला तो लो टेम्परेचर पे हम लोग उसका पाश्चरीकरण कर सकते हैं, और दूसरा हाई टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे कैसे करेंगे, कितना टेम्परेचर हम लोग लो टेम्परेचर के लिए लेंगे? तो जब हम लोग जब दूध का पाश्चरीकरण करना होता है लो टेम्परेचर पे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस तक दूध को क्या करते हैं, आधे घंटे तक उबालते हैं, जो कि पाश्चरीकरण में एक्चुअल में होता है ना। 62 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग आधे घंटे के लिए उबालते हैं, वो हम लोग क्या कर ले हैं, लो फैट में कर रहे हैं, लो टेम्परेचर में कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको एकदम हाई टेम्परेचर में गर्म करना है, एकदम ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर पे जो है वो गर्म करना है, तो फिर क्या करते हैं, 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो ये दो विधि है जिसके द्वारा पाश्चरीकरण की क्रिया हो जाती है। तो क्लियर हो गाइस मिल्क का माइक्रोबायोलॉजी, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। तो अगर मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर नोट्स आप लोगों को क्लियरली शो नहीं होंगे, तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करके आप लोग नोट्स क्लिक किया कीजिए, और आप लोग नोट्स जरूर बनाओ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। और आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं वो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। होप यू गाइस माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 मिल्क ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मिल्क ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 4 भी हम लोग जल्द से जल्द देखेंगे। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक थर्ड ईयर सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, चेक जरूर करें, या फिर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के चेक कर सकते हो। केमिस्ट्री जूलॉजी के सारे वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।